बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तालिबे इल्म अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसका पहला बाब और उसका जो टॉपिक है वो है आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का तारुफ़ और शाख। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की शाखों से पहले हम तारीफ़ पढ़ेंगे साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है? वो इल्म जो दुनिया को समझने का फहम अता करता है, वो इल्म जो दुनिया को समझने का फहम अता करता है उसे साइंस कहते हैं। हाँ, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अक्सर बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर बायोलॉजी में साइंस की और तारीफ़ लिखी हुई है, फिज़िक्स में साइंस की और तारीफ़ लिखी हुई है, केमिस्ट्री में साइंस की और तारीफ़ है, तो अगर साइंस की तारीफ इम्तिहान में आए तो हम कौन सी लिखें? तो अजीज़ तालिब इल्म, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इन तमाम तारीफ़ें एक जैसी हैं, बस लफ्ज़ों के हेर फेर है, बाकी तारीफ में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि ये वो इल्म है जिसमें हम फितरत के असूलों को समझने के लिए मशाहदात और तजर्बात करते हैं और उनसे कोई मंतकी नतीजा अखज़ करते हैं। इसी तरह फिज़िक्स में लिखा हुआ है कि वो इल्म जो मशाहदात और तजर्बात की बना पर हासिल होता है उसे साइंस कहते हैं। और इसी तरह केमिस्ट्री में ये तारीफ लिखी हुई है कि वो इल्म जो दुनिया को समझने का फहम अता करता है वो साइंस कहलाता है। ये तीनों तारीफ़ एक जैसी हैं, चाहे फिज़िक्स के पेपर में आप ये तारीफ लिख देंगे केमिस्ट्री वाली तो गलत नहीं होगी। तो अगला हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की तारीफ। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मादे की तरकीब, साफ खवास और मादों के रिएक्शंस से मुतालिक बहस की जाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती है। इसकी जो आपकी किताब में जो अगली 7-8 लाइनें हैं उसमें आप केमिस्ट्री के फवायद भी लिख सकते हैं और नुकसान भी लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको किताब से ही पढ़ा देता हूँ, चूँकि वो आसान है इसलिए वो आप आसानी से उधर से केमिस्ट्री के फवायद और नुकसान याद कर सकते हैं। पहली जो 3 लाइन हैं वो केमिस्ट्री के फवायद हैं, यानी कि ये किताब है, ये किताब का सफ़ा नंबर है 2। ये केमिस्ट्री में आपने फवायद लिखने हैं तो पेट्रोकेमिकल मसनूआत, अद्वियात, साबुन, डिटर्जेंट, कागज़, प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े मार अद्वियात, ये केमिस्ट्री के फवायद में शामिल है। अगर केमिस्ट्री के नुकसान देखने हैं तो इसी पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइनों से ऊपर वाली लाइन, केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है जिससे इंसानों और जानवरों को नुकसान भी हुए हैं। केमिस्ट्री की शाखें, आज हम इसकी पहली 5 शाखों पर लेक्चर देंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पहली शाख है फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें मादे की तरकीब और इनके तिबी खवास के मबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया जाता है, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं। केमिस्ट्री की अगली शाख है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट मरकबात, हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखुस कंपाउंड का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ज़हन में रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी ये लाजमी हों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री की अगली शाख है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स, अनासर और कंपाउंड्स यानी मरकबात का मुताला, लेकिन सिवाय उन कंपाउंड के जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसा कि हमने वैसे पिछली शाख में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है लेकिन इनमें ना होना ज़रूरी है। ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुताला करती है सिवाय उनके कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। केमिस्ट्री की अगली शाख है बायो केमिस्ट्री। जानदार इकसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनकी कीमियाई अमल का मुताला। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें जानदार इकसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुताला। याद रहे कि इसमें जितने आपके बायोकेमिकल अमल होते हैं
उसका मुताला, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है, इंसान खुराक हजम करते हैं, वो इस बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही होती है, जानदार खुराक हजम कैसे करते हैं, जानदार खुराक बनाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का मुताला इस बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। केमिस्ट्री की अगली शाख है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुताला किया जाता है, जिसमें खाद हो गई, क्लोरीन, गंधक का तेजाब, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अहाते में आती हैं। तो आज केमिस्ट्री का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने साइंस की तारीफ पढ़ी, केमिस्ट्री की तारीफ पढ़ी, केमिस्ट्री की पांच शाखों को डिस्कस किया। कल आपने इसको याद करके आना है। उम्मीद है हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे YouTube चैनल सैयद गुलाम जाफर शाह को सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरा हर लेक्चर आपको मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट करें, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर